Welcome to the International Human Resource Management course. Today, our topic is current issues in performance management. We are going to discuss about the latest trends and latest issues related to performance management, how companies are changing their performance management strategies or the performance management standards, how they are changing the performance evaluation system of the employees who are working in the organization, how they define standards, how they set their goals. These are the most important areas we should cover in the performance management. In this lecture, we are going to discuss what is new in the performance management, what is basically performance management, and how performance management has been involved in the performance improvement of the employees in the organizations, and the historical development of the performance management in today's lecture. We'll start with the name of Allah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa id akhadna mithaqa bani Israil la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin yaqulu lin nasi husna wa aqimu as-salata wa atu az-zakata thumma tawallaytum illa qalilan minkum antum mu'ridun. अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला है, ट्रांसलेशन है ये। और जब हमने बनी इसराइल से वादा लिया कि तुम अल्लाह ताला के सिवा दूसरों की इबादत ना करना और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना, इसी तरह कराबत दारों, यतीमों और मिस्कीनों के साथ और लोगों को अच्छी बातें कहना, नमाज कायम रखना और ज़कात देते रहना, लेकिन थोड़े से लोगों के अलावा तुम सब फिर गए और मुंह मोड़ लिया। इस आयत के अंदर ख़ास तौर पर अल्लाह ताला ने कौम बनी इसराइल का जिक्र किया है और ये कहा है बनी इसराइल को कि इसमें अल्लाह ताला की इबादत का जिक्र किया गया है कि सबसे पहले अल्लाह ताला की इबादत को जो है प्रायोरिटी दी गई है इस आयत के अंदर के अल्लाह ताला की इबादत करें। उसके बाद जो दूसरी बात यहाँ पे की गई है वो है वालिदैन के साथ हुस्न सलूक। वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना, वालिदैन के साथ अच्छे से गुफ्तगू करना, उनकी खिदमत करना, ये कुरान मजीद के अंदर इसका जिक्र है। तो इसकी अहमियत का आप अंदाज़ा लगा लें कि माँ बाप की जो कदर है, माँ बाप की जो कीमत है, वो अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद के अंदर जो है बताई है कि वो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने रब के लिए, कि जो लोग माँ बाप की खिदमत करते हैं वो अल्लाह ताला के पसंदीदा लोगों में शुमार होते हैं। इसी तरह कराबत दारों, यतीमों यानी आपके जो रिश्तेदार हैं, यतीम हैं या मिस्कीन हैं आपके इर्द गिर्द में, उनका ख्याल रखने का जिक्र किया गया है। नमाज और ज़कात देने की बात की गई है। तो लेकिन इसमें यह भी बताया गया है कि बनी इसराइल को ये कहने के बाद, तलकीन करने के बावजूद भी उसमें से सिवाय चंद लोगों के बाकी किसी ने इस जो ये जो बात अल्लाह ताला ने उनको बताई थी, किसी ने जो है इस पर अमल नहीं किया। तो हमें अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए, अपने माँ बाप का हुक्म मानना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए, इसी तरह रिश्तेदारों का, यतीमों का, मिसाकीन का भी ख्याल रखना चाहिए हमें, और उसके अलावा नमाज पढ़नी चाहिए, ज़कात देनी चाहिए। तो इससे जो है हम अल्लाह ताला के हुक्म को बजा लाएंगे और अल्लाह ताला हमारे ऊपर रहम करेगा। तो आगे आइए, आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ मजीद। तो How to live a happy and rewarding life, ये आज का जो लेक्चर है उस
के अंदर ये कुछ चीज़ें जो है कि आप किस तरह अच्छी और रिवार्डिंग लाइफ जो है वो जी सकते हैं। टेक इन टू अकाउंट दैट द ग्रेट लव एंड ग्रेट अचीवमेंट इन्वॉल्व ग्रेट रिस्क। जी, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात जो बताई गई है वो ये है कि अगर आप जो है ग्रेट अचीवमेंट और ग्रेट लव जो है उसकी तलाश में है तो उसके लिए आपको रिस्क भी लेना पड़ेगा। तो जिस तरह आप अचीवमेंट चाह रहे हैं उसी तरह आपको रिस्क लेना होगा। बगैर रिस्क के कोई अचीवमेंट्स आमतौर पर नहीं मिलती हैं। व्हेन यू लूज डोंट लूज द लेसन। जब कोई चीज़ आप खोएं, कोई आपको प्रॉब्लम हो, तो जो चीज़ आपसे जा रही है उसके साथ साथ आप जो है उसको लूज़ तो आप कर रहे हैं, लेकिन उससे जो चीज़ सीखने वाली है वो आप ज़रूर सीखें, उससे लेसन ज़रूर है, आप उससे सबक ज़रूर सीखें ताकि आप आने वाले वक्त के अंदर फिर दोबारा इस तरह की गलती ना करें। फॉलो 3 R's, यानी आप रेस्पेक्ट फॉर सेल्फ, अपनी रेस्पेक्ट करें, रेस्पेक्ट फॉर अदर्स, दूसरों का ख्याल रखें, उनकी रेस्पेक्ट करें, और उसके बाद इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल योर एक्शंस। जो आप एक्शंस हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लें, अपनी बातों से मुकर न जाएं, जो आप काम करें वो आप कहें कि आपने किया है, आप डरे नहीं, और अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने एक्शन की नहीं लेंगे तो, और दूसरों के कंधों के ऊपर अपनी गलतियों को रखेंगे तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है हो सकता है। लिहाजा आप इन 3 जो R's हैं इसको फॉलो करें ताकि आप अपनी रेस्पेक्ट जो है वो आप ले सकें और एक बेहतर ज़िंदगी जो है वो आप गुजार सकें, एक बेहतर और रिवॉर्डिंग लाइफ आप जो है इस दुनिया में गुजार सकें। रिमेंबर दैट नॉट गेटिंग वट यू वॉन्ट इज समटाइम्स अ वंडरफुल स्ट्रोक ऑफ लक। बार दफ़ा ऐसा होता है कि कोई चीज़ आपको नहीं मिलती है और आप परेशान होते हैं कि जी आपको ये मिलना चाहिए था, ये मुझे नहीं मिला, तो आप, लेकिन बार दफ़ा ऐसा होता है कि वो आपके फ़ायदे के लिए होता है और बार दफ़ा उसी की वजह से अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा नवाज देता है। तो जब कोई चीज़ आपसे खोए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला उससे आपको बेहतर देने वाला है। तो टॉपिक पर आते हैं, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या है? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का ओवरव्यू हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो क्रिटिकल फॉर द फर्म्स, क्या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो है वो फर्म के लिए, किसी कंपनी के लिए क्रिटिकल है, इम्पॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है या नहीं है? तो अगर हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को लेकर चलें तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो दैट इज दी इम्प्रूवमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब इम्प्रूवमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस से मुराद ये है कि जो इंडिविजुअल एम्प्लाइज वहाँ काम कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है, और अल्टीमेटली द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि जब हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उस वक्त हम जो है कॉरपोरेट ऑब्जेक्टिव जो होते हैं उनको अचीव करने के पर हमारा फोकस होता है। तो इसका मतलब यह है कि ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन जिस काम के लिए डेवलप की गई होती है, दैट इज दी अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, दैट इज द अचीवमेंट ऑफ द मिशन एंड द विजन ऑफ द कंपनी। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है इसे इंट्रोड्यूस कराने का, दैट इज दी ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज टू अचीव दी कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव इज टू अचीव दी परफॉर्मेंस ऑफ the organization is to achieve the growth of the organization is to achieve the or improve the profitability of the organization through performance management system, through continuous evaluation process, through continuous performance management of employees, through continuous feedback, through coaching। तो ये सारी चीजें performance management का part है। इसलिए as the performance management system is critical for the growth of the firm, for the achievement of the objective of the firm, for the profitability of the firm, that is why this is very important, that this is very critical, this is very significant for the organization। इसलिए कंपनी को परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, एक इफेक्टिव परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम को डेवलप करना चाहिए ताकि उसके एम्प्लाई जो है वो बेस्ट परफॉर्मेंस दें, ताकि उसकी कंपनी जो है वो ग्रो करे, ताकि वो जो ऑब्जेक्टिव है कंपनी के वो प्रॉपर उन ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। और अगर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो प्रॉपर नहीं होगा, अगर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इफेक्टिव नहीं होगा तो ये एम्प्लाईज जो है वो डीमोटिवेटेड होंगे, उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर नहीं होगी, जो कि
ऑर्गेनाइजेशन डिक्लाइन जो है वो उसकी तरफ लीड करेगा, ऑब्जेक्टिव अचीवमेंट नहीं होगी तो कंपनी जो है उसकी ग्रोथ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज वेरी मच क्रिटिकल फॉर द फर्म। उसके बाद परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के कुछ जो है फीचर्स बताए गए हैं कि बियॉन्ड ट्रेंडेड एनुअल रिव्यू। तो आमतौर पर जो परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम होता था उसके अंदर ये था कि एनुअल रिव्यू होता है, यानी साल के आखिर में आप परफॉर्मेंस मैनेजमेंट परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं एम्प्लाइज का, और उसके बाद उन्हें रिवॉर्ड करते हैं, प्रमोशन देते हैं, सैलरी इंक्रीमेंट्स होता है या रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन होती है उसकी बेस पर जो कि आप परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं। बट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज बियॉन्ड द परफॉर्मेंस अप्रेजल, इट इज नॉट एट द एंड ऑफ द ईयर इवैल्यूएशन सिस्टम। ये जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है दिस इज अ कंटिन्यूस सिस्टम। ये आमतौर पर क्वार्टरली जो है हो सकता है, साल में चार दफा हो सकता है, बाई मंथली होता है, इट डिपेंड्स ऑन द इट इज वेरीज ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन बट इट इज नॉट आफ्टर द ईयर। इसलिए ये जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है ये जो है वो एक कंटिन्यूस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है, ये कंटिन्यूस रिव्यू है, इट इज नॉट द एनुअल रिव्यू। इसलिए ये ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ये ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। उसके बाद एचलेस हील ऑफ ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट, अगर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम प्रॉपर ना हो, अगर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम जो है इफेक्टिव वर्क ना कर रहा हो तो वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इट्स इफेक्ट ऑन द ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट, तो फिर आप प्रॉपर ह्यूमन कैपिटल मैनेज नहीं कर सकते। आप जब तक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करेंगे उस वक्त तक आप ह्यूमन कैपिटल मैनेज नहीं कर सकते, उस वक्त आप टैलेंट प्रॉपर अट्रैक्ट नहीं कर सकते, उस वक्त आप टैलेंट से प्रॉपर आउटपुट नहीं ले सकते, उस वक्त तक आप ह्यूमन कैपिटल को जो है उसके ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इसलिए फर्स्ट वी हैव टू इन्वेस्ट ऑन द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम ताकि हम ह्यूमन कैपिटल को प्रॉपर ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट हम कर सकें। तो प्रॉपर ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट करने के लिए हमें चाहिए कि हम जो है एक इफेक्टिव परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप करें ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ह्यूमन कैपिटल को मैनेज कर, इफेक्टिव ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट कर सके। नेक्स्ट स्लाइड है कि हाउ ऑर्गेनाइजेशंस हैव बीन यूजिंग परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम फ्रॉम मैनी ईयर्स, यानी पिछले कई सालों से जो कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो चेंजेस आई हैं उन चेंजेस को स्लाइड के अंदर हम डिस्कस करेंगे, और उन चेंजेस उन डेवलपमेंट को हम डिस्कस करेंगे और उन डिफरेंसेस को हम डिस्कस करेंगे और उनकी ज़रूरत क्यों पड़ी कि इसके अंदर जो है वो डेवलपमेंट हुई, इसके अंदर जो है नए ट्रेंड्स की तरफ लोग गए और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्रूव किया। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। अब तक जो है जो बेसिकली सबसे पहले जो जिस तरह एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाता था दैट सिस्टम वाज कॉल्ड द एसीआर। एसीआर का मतलब होता है एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। तो एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो है ये बहुत ही पुराने ज़माने में इस्तेमाल की जाती थी। वैसे आजकल जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर भी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स आज भी मौजूद है, इवन दो के कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके अंदर भी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो है उसका सिस्टम चलता है और उसी की बेसिस पर जो है वो एम्प्लाइज की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है। अब एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट क्या फीचर्स होते थे, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट के अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती थी वो ये था कि जो सुपरवाइजर है वो साल के आखिर में अपने सबॉर्डिनेट्स की एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाता था कि उनके एम्प्लाइज ने पूरे साल किस तरह परफॉर्म किया, और तो वो रिपोर्ट जो है वो ऊपर एचआर में या टॉप मैनेजमेंट को वो रिपोर्ट भेज देती। तो इसके अंदर विदाउट असाइनिंग प्रॉपर गोल्स प्रॉपर टास्क टू द एम्प्लाइज आप साल के आखिर में उनको
इवैल्यूएट करते थे विदाउट एनी स्टैंडर्ड्स। इसका मतलब ये था कि जो सुपरवाइजर लिख देता था वही फाइनल था, उसको कुछ चैलेंज नहीं कर सकता था। इवन दो ये जो कॉन्फिडेंशियल का वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, ये वर्ड एम्प्लाइज के लिए भी था जिसकी परफॉर्मेंस की इवैल्यूएशन हो रही है। इवन दो कि ये परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एम्प्लाइज को इसका फीडबैक भी दिया जाता, ना ही एम्प्लाइज से ये परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन की रिपोर्ट जो है वो शेयर की जाती थी। तो जब आप किसी एम्प्लाई को ना तो उसके ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, ना उसको स्टैंडर्ड बता रहे हैं कि किन स्टैंडर्ड्स की बेसिस पर उन्हें चेक किया जाएगा, और साल के आखिर में जब आप एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बना रहे हैं, एक मैनेजर सुपरवाइजर जो एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बनाकर विदाउट शेयरिंग विद द एम्प्लाई उसको बताए बगैर आप टॉप मैनेजमेंट को भेज देते हैं और उसकी बेसिस पर उसका इंक्रीमेंट, उसका प्रमोशन, उसके रिवार्ड्स, ये तमाम चीज़ें जो है उस सुपरवाइजर की बेस पर जो है ये होता था। तो इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा अनफेयर जो है वो सिस्टम था ये, जिससे लोग डिससेटिस्फाइड थे। और लोगों का डिससेटिस्फाइड होना सबसे पहला तो ये था कि वो ये कहते थे जी हम हमारी जो भी, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि आप हमें काम तो असाइन करें कि हमने करना क्या है, आप हमें ऑब्जेक्टिव तो बताएं कि हमें इस साल के कौन से ऑब्जेक्टिव अचीव करने। तो पहला तो ये सवाल था। दूसरा ये सवाल था कि उन ऑब्जेक्टिव को जो अचीव करने का तरीक़ाकार है, जो उसके स्टैंडर्ड्स हैं इवैल्यूएशन के, कि आप हमें कैसे इवैल्यूएट करेंगे कि हमारी परफॉर्मेंस एक्सेप्शनल है, हमारी परफॉर्मेंस गुड है, हमारी परफॉर्मेंस अबव एवरेज है, या हमारी परफॉर्मेंस पुअर है, तो ये अनएक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस है हमारी। तो ऐसी इन सारी चीज़ों के लिए आप पहले स्टैंडर्ड्स तो हमें बताएं कि आप किन बेसिस पर हमें जो है वो चेक करेंगे, ऑब्जेक्टिव बताएं हमें, हमें स्टैंडर्ड बताएं कि किन बेसिस पर हमें चेक किया जाएगा, और उसके बाद जब आप चेक करें तो उसका हमें फीडबैक भी दें, बताएं हमें कि हमारी क्या गलतियां हैं, हमारी क्या जो है परफॉर्मेंस के अंदर कमी रह गई है, और उस कमी को हमारे साथ शेयर करें, जो हमारी स्ट्रेंथ है उसको शेयर करें, जो हमारी वीकनेसेस है उसको शेयर करें, और हमारे लिए अगर हम वीक है तो हमारे लिए कोई डेवलपमेंट प्लान बनाया जाए, हमारे ऊपर कुछ इन्वेस्ट किया जाए, हमारी ट्रेनिंग कराई जाए, हमारी स्किल्स को इम्प्रूव किया जाए, हमारी कॉम्पिटेंसीज को इम्प्रूव किया जाए। तो ये वो क्वेश्चंस थे जो कि एम्प्लाइज की तरफ से, और इवन दो इस पूरे सिस्टम का कोई भी कंट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस के साथ नहीं था, इसका पूरा का पूरा फोकस जो है वो एम्प्लाइज एडमिनिस्ट्रेटर के फोकस था। इसका पूरा का पूरा फोकस जो है या तो प्रमोशन या सैलरी इंक्रीज या रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन इन चीज़ों के ऊपर था, इसका कहीं भी ताल्लुक जो है परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी के साथ नहीं था या परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लाइज के साथ नहीं था। इसलिए इसके अंदर बहुत सारे जो है प्रॉब्लम्स थे। तो इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क होने के बाद फिर मैनेजमेंट ने और ह्यूमन रिसोर्स वालों ने मिलकर एक नया सिस्टम लेकर आए, जिसके अंदर एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट के अंदर जो भी क्वेश्चन उठाए गए उन क्वेश्चन के जवाब नेक्स्ट सिस्टम के अंदर दिए गए, जिसका नाम था परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो आजकल पाकिस्तान की तकरीबन 90% का 80-90% कंपनीज के अंदर जो है वो परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम ही इस्तेमाल हो रहा है तकरीबन। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम के अंदर उन सारे सवालात के जवाबात को अकोमोडेट किया गया जो जो एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट पर एम्प्लाइज की तरफ से उठाए गए थे। अब इसके अंदर जब परफॉर्मेंस अप्रेजल आया तो इसमें सबसे पहला काम ये हुआ, इसकी फीचर में सबसे पहली फीचर ये थी कि सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव जो है डेवलप किया जाए। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल में जो है जो एडिशन हुआ वो ये हुआ कि हर एक एम्प्लाइज के ऑब्जेक्टिव डिज़ाइन किए गए और वो ऑब्जेक्टिव जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव से जो है वो लिए जाते। तो ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले तो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव डिज़ाइन किए गए, नंबर वन। नंबर टू उन ऑब्जेक्टिव को मेजर करने के स्टैंडर्ड्स भी बताए गए, और फिर साल के आखिर में उसी तरह जो सुपरवाइजर था वो इसको जो है
अप्रेजल को चेक करता था, और फिर वो अप्रेजल जो है एम्प्लाइज के साथ शेयर होता था और उनको फीडबैक दिया जाता था, और उस फीडबैक के बाद जो है वो जो इम्प्रूवमेंट, जो ट्रेनिंग सजेशन होती थी वो जो है इसके अंदर इंक्लूड की गई, जो कि एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट के अंदर मौजूद नहीं थी। इसलिए ये एक और एडवांस स्टेप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की तरफ से लिया गया, जिसके अंदर परफॉर्मेंस एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट से मूव होकर जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल की तरफ आया। तो बेहतर, अब जब परफॉर्मेंस अप्रेजल आया तो उसके कुछ अर्से बाद फिर लोगों ने इस सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन उठाना शुरू कर दिया। कि सबसे पहला क्वेश्चन ये हुआ कि ये तो एनुअल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है, ये तो एनुअल अप्रेजल होता है, ये तो एनुअल इवैल्यूएशन होती है। तो एनुअल इवैल्यूएशन के अंदर आमतौर पर इसमें जो पहला प्रॉब्लम था वो ये हो गया कि वो लोग जो पूरे साल काम नहीं करते और साल के आखिरी दो तीन महीनों में काम करते हैं, और उनका जो फीडबैक होता था वो ज़्यादा बेहतर है उस बंदे से जो कि पूरा साल काम कर रहा है। वो आखिरी दो तीन महीनों में बहुत ज़्यादा मेहनत करके अच्छा अप्रेजल ले जाते थे, जबकि वो एक बंदा जो पूरे साल से मेहनत कर रहा है उसका अप्रेजल कम लगता था, तो उसकी वैल्यूएशन बेहतर नहीं होती। तो ये तो पहला क्वेश्चन था कि एनुअल नहीं होना चाहिए। दूसरा ये था इसके अंदर कि इसका ये जो परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम है इसका कोई भी ताल्लुक परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी से नहीं है। तो ये कंपनी जो मैनेजमेंट है उसने कहा जी ये जो सिस्टम आपने बनाया है ये इम्प्लाइज के एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट के लिए तो ठीक है या एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन के लिए तो ठीक है मैनेजमेंट के लिए, लेकिन इसका कोई ताल्लुक जो है वो कंपनी की परफॉर्मेंस से नहीं है, इसलिए इसके अंदर कोई नया सिस्टम लाया जाए जिसके अंदर कंपनी की परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो। तो ये एक और क्वेश्चन इसके अंदर लिया गया, पहला कैनवल नहीं होना चाहिए, दूसरा कि जो भी सिस्टम बनाया जाए उसका इम्पैक्ट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस के ऊपर होना चाहिए, तीसरा अप्रेजल के अंदर आमतौर पर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इम्प्लाइज के ऊपर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा नहीं करती थी, और कंटिन्यूस फीडबैक का एक मसला था कि कंटिन्यूस फीडबैक लोगों को नहीं मिलता। इन सारी चीज़ों की वजह से फिर एक और एक नया सिस्टम, थर्ड सिस्टम डेवलप हुआ जिसका नाम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो रखा गया। वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसके अंदर उन तमाम सवालात को जो परफॉर्मेंस अप्रेजल पर उठाए गए थे उनको टैकल किया गया, जैसा कि परफॉर्मेंस अप्रेजल साल में एक दफ़ा होता था, तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो है दैट इज द कंटिन्यूस प्रोसेस। तो अब ये सिस्टम जो नया परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ये क्वार्टरली इवैल्यूएशन की बेस पर जो है कंपनीज ने शुरू किया। उसके अलावा जो सुपरवाइजर जो है सिर्फ सुपरवाइजर जो है वो फीडबैक देता था, तो इसको भी चेंज किया और 360 डिग्री फीडबैक जो है उसका मेथड इस्तेमाल किया गया, और मुख्तलिफ लोगों से जो है सिर्फ सुपरवाइजर नहीं उसके अलावा भी जो लोग हैं उनसे राय ली गई 360 डिग्री के अंदर, जैसा कि अपने उसके सबऑर्डिनेट से भी राय ली जाती है, उसके सुपीरियर से राय ली जाती है, उसके कुलीग से राय ली जाती है, उसके कस्टमर से राय ली जाती है उसकी इवैल्यूएशन के हवाले से जो है ये है। और तीसरा जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको ऑर्गेनाइजेशन के कॉरपोरेट ऑब्जेक्टिव से मैच किया गया। तो कॉरपोरेट ऑब्जेक्टिव को, बिजनेस लेवल के ऑब्जेक्टिव को और फंक्शनल लेवल को अलाइन किया गया ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव किया जा सके, और इसके अंदर जो है शॉर्ट टर्म गोल्स जो है उसके ऊपर यानी क्वार्टरली गोल्स जो है एम्प्लाइज को दिए गए, और उसकी क्वार्टरली फॉर्मल जो है वो मीटिंग्स होती हैं जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है उसके, और उन क्वार्टरली मीटिंग के अंदर जो प्रॉब्लम होता है एम्प्लाइज को उसकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड, तो वो उसका सुपरवाइजर उसका मैनेजर उससे डिस्कस करता है और उससे फीडबैक लेता है कि वो उसकी परफॉर्मेंस अगर वीक है तो क्यों परफॉर्मेंस वीक है, उसमें क्या प्रॉब्लम है, कोई टूल उसको रिक्वायर्ड है उसको, तो हर चार महीने बाद एक फॉर्मल फीडबैक जो है वो मैनेजमेंट की तरफ से मैनेजर्स की तरफ से जो है एम्प्लाइज को जाता है, और फिर वो रिकॉर्ड हो जाता है, और इस तरह एनुअल जो
अप्रेजल एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो बनती है, एनुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट जो बनती है, उसके अंदर क्वार्टरली जो रिपोर्ट होती है उसको जो है मिलाकर एक एनुअल रिव्यू जो है वो बनाया जाता है। तो इस तरह परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो है वो आ गया। जब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट आ गया तो फिर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के ऊपर लोगों ने क्वेश्चन उठाना शुरू कर दिया जी, इसका तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का ये लिखा हुआ तो है कि जो एक तो कंटिन्यूस है ये लिखा हुआ, दूसरा कंटिन्यूस तो है लेकिन इसका फीडबैक जो है हर 4 महीने बाद होता है। तो लिखा हुआ तो ये कंटिन्यूस है लेकिन फीडबैक 4 महीने बाद होता है, तो इसलिए 4 महीने तक फीडबैक नहीं होना चाहिए, इसका फीडबैक और अर्ली होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन, दूसरा ये कहा तो गया है कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव यानी कंपनी के परफॉर्मेंस को अचीव करने के लिए बनाया गया, लेकिन एक्चुअल में जितनी भी कंपनीज इस सिस्टम को फॉलो कर रही हैं, जिन जो कह रही हैं उनके यहाँ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है, तो वहाँ पर प्रॉपर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता और कंपनी की ग्रोथ के अंदर या कंपनी की परफॉर्मेंस के अंदर इस सिस्टम का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो उसके लिए जब परफॉर्मेंस कंपनी के परफॉर्मेंस में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है तो मैनेजमेंट ने इसके ऊपर क्वेश्चन उठाया जी इसका तो कंपनी के उसके ऊपर कोई परफॉर्मेंस पर कोई इम्पैक्ट ही नहीं है, तो हम इसके ऊपर इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसको इम्प्रूव किया जाए। तो फिर नया सिस्टम और एक लेकर आया जिसका नाम था परफॉर्मेंस अचीवमेंट। अब परफॉर्मेंस अचीवमेंट जो है ये आखिर में जो पी ए नजर आ रहा है दैट इज द परफॉर्मेंस अचीवमेंट, और ऊपर वाला जो पी ए है ये है परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो जो अभी लेटेस्ट चीज सबसे इस्तेमाल हो रही है दैट इज द परफॉर्मेंस अचीवमेंट। अब परफॉर्मेंस अचीवमेंट का जो फोकस किया गया है वो क्वार्टरली रिव्यू से भी अब जो है इसके अंदर शॉर्ट टर्म गोल को छोड़ दिया गया, इसके अंदर नियर टर्म गोल्स डिफाइन किया गया। तो परफॉर्मेंस अचीवमेंट के अंदर नियर टर्म गोल्स जो है लिया गया, इसका अचीवमेंट नाम इसलिए रखा गया कि परफॉर्मेंस को हमने अचीव करना है, परफॉर्मेंस को मैनेज नहीं करना, तो इसलिए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को खत्म करके परफॉर्मेंस अचीवमेंट के ऊपर फोकस किया गया कि हमें ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है उसको अचीव करना है, हमने ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को खाली मैनेज नहीं करना। तो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को जो है अचीव करने के लिए इसका नाम परफॉर्मेंस अचीवमेंट रखा गया। इसके अंदर नियर टर्म गोल्स बनाए गए जो है, इसके अंदर जो है साइन इन का कंसेप्ट दिया गया, इसके अंदर चेक इन का कंसेप्ट दिया गया, इसके अंदर रेगुलर चेक इन का कंसेप्ट दे दिया, शॉर्ट टर्म से भी नियर टर्म गोल्स जो है बनाए गए, मोबाइल एप्स का इंट्रोडक्शन यहाँ पे कराया गया कि इस सिस्टम के अंदर मोबाइल एप्स होना चाहिए, डेली बेसिस पर जो है लोगों के टास्क जो है असाइन किए जाए और वो टास्क उनके उस सिस्टम के अंदर उन एप्लीकेशन के अंदर जो है वो रिकॉर्ड होते रहे और एट द एंड ऑफ द ईयर वो पूरी जो रिकॉर्डिंग है उसकी बेसिस पर जो है वो आप उसकी इवैल्यूएशन कर सकें। तो ये एक जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैंने आपको बताया कि इस तरह जो है वो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन सिस्टम जो है वो डेवलप हुआ। ये हमने वन बाय वन इन इस को डिस्कस किया। नेक्स्ट स्लाइड जो है ये है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो है, ये टर्म परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कब ओरिजिनेट हुई। तो सबसे पहले बस 1970 के अंदर जो है वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की जो टर्म है उसे जो है आइडेंटिफाई किया गया, बट ये 1980 तक जो है रिकग्नाइज नहीं हुई ये टर्म परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की। उसके बाद 1987 के अंदर जो प्लाची है उसने अंदर यूएसए के अंदर उसने पहली बुक लिखी जिसका नाम था परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो इस तरह परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो है वो 1987 के अंदर उसकी पहली बुक आई और प्रॉपरली कंपनियों ने उसको इस्तेमाल करना शुरू किया। उसके बाद परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और एचआर का आपस में क्या रिलेशनशिप, तो 90s के अंदर जो है वो यूके और यूएसए के अंदर जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है इसको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट बनाया गया। उससे पहले परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो है वो एक अलग चीज थी, बाद में इसको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट जो है यूके और यूएसए के अंदर बनाया गया। अब इसके नीचे इसकी डेफिनेशन है कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग मेजरिंग एंड डेवलपिंग द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल्स एंड टीम्स एंड अलाइनिंग देयर परफॉर्मेंस विद द स्ट्रेटेजिक गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इसकी डेफिनेशन है, इसके अंदर पहला वर्ड जो देखने वाला है वो है कंटिन्यूस प्रोसेस। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज द कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ व्हाट, किस चीज का कंटिन्यूस प्रोसेस है, इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ द मेजरिंग ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल टीम। तो
एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसके अंदर जो है वो टीम की और इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है। उसके बाद जो थर्ड इसका पॉइंट है वो ये है कि इस परफॉर्मेंस को अलाइन किया जाता है विद द स्ट्रेटेजिक गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो स्ट्रेटेजिक गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसे अलाइन किया जाए, कंटिन्यूस होना चाहिए, कंटिन्यूस है और फिर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक गोल के साथ अलाइन है। थैंक यू वेरी मच।